हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है। एक बार जोरदार तालियां नीला जी से। तो सबसे पहले नीला जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह से इस माहौल से, सस्टेनेबिलिटी से, एनवायरनमेंट से किस तरह से आप कनेक्ट करती हैं, आपका क्या विचार है मुझे प्लीज बताएं। हेलो, थैंक यू एवरीबॉडी, सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई वांट, बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं दिल्ली हार्ट में, प्लीज आए, ज्वाइन करें एंड लेट्स मेक दिस रेवोल्यूशन अ बिगर रेवोल्यूशन। मैं अनिला रामपुरिया हूँ, आई एम फ्रॉम म्यूजिक वेरांडा। हम लोगों ने 4 साल पहले म्यूजिक वेरांडा स्टार्ट किया था, बहुत सुंदर कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग म्यूजिक को नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट हमने म्यूजिक को हीलिंग, म्यूजिक को मैजिक, म्यूजिक को मेडिटेशन, म्यूजिक को मेडिसिन बनाया है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि म्यूजिक हम एंटरटेनमेंट की तरह रहें लें तो हमें उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम म्यूजिक में इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सो लेट्स कोलैबोरेट इट एंड दैट इज़ व्हाट म्यूजिक वेरांडा इज डूइंग। वी आर टेकिंग द पावर ऑफ म्यूजिक टू मैनी एंड द हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक टू मैनी। सो दैट्स द मिशन ऑफ म्यूजिक वेरांडा। और ग्रीन वेरांडा एक बहुत खूबसूरत सा एक प्रयास है जिसमें हमें लगा सस्टेनेबिलिटी, वेलबींग, इन सब चीज़ों को हमें इंस्पायर करना है। इंस्पायर जब मैं बोलूँगी तो एक चीज़ इंस्पिरेशन से आती है, जब इंस्पिरेशन होती है तो आप एक्चुअली केयर करने लगते हैं, एक्शन लेने लगते हैं। तो हम जबरदस्ती बोलेंगे एक्शन ले तो कोई नहीं लेगा, लेकिन जब हम इंस्पायर करेंगे तो दिल से आवाज़ आती है, दिल की आवाज़ इतनी स्ट्रांग होती है उसको आप ना नहीं बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। और बस थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें हमने 4 शब्द हैं, ईथोस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हीलिंग, वेलबींग एंड कनेक्शन। तो पूनम जी, मैं इसको ना एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गई तो वहाँ पे एक फॉरेन नेशनल आए और उन्होंने मसाला डोसा ऑर्डर किया। जब मसाला डोसा आया उन्होंने उसको खोला, मसाला खाया और डोसे को बंद करके वापस भेज दिया। सो हम शायद ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन हम उस ज़िंदगी को भरपूर नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में सस्टेनेबिलिटी, हीलिंग, वेलबींग और कनेक्शन डाल देते हैं तो मसाला डोसे का टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तो यस, एम आई राइट ऑन दैट? राइट, थैंक यू। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एनी अदर। थैंक यू अनिला जी। तो ये थी फाउंडर। हाँ, सस्टेनेबिलिटी के बारे में आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगी? और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, वैसे मैं पीपल बाबा हैं, मोहित हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सस्टेनेबिलिटी क्रूसेडर्स हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास कर रही हूँ सस्टेनेबिलिटी लोगों को बताने का। सस्टेनेबिलिटी क्या है, फिर से मैं इसको एक एग्जांपल से रिलेट करूँ। पूनम जी, आप ट्रैवल करते हो क्या? होटल जाते हो? जब बिल्कुल जाती हूँ, होटल रूम से निकलते हो तो क्या छोट, हाँ, अस्सी अस्सी रहता है अक्सर। और जब आते हो तो क्या आपकी थॉट होती है, एक्सपेक्टेशन? मुझे लगता है कि जब मैं वापस लौटूँ तो बिल्कुल मुझे साफ सुथरा मिले, सुंदर सा मिले, ठीक है? तो हाँ, तो ये चाहती है, हम सभी चाहते हैं जब आए बड़ा सजा धजा कमरा रहे, ये सब है। अब इस प्लैनेट में हम आए हुए हैं, हो सकता है हमें फिर से आना पड़े, फिर से आना पड़े, फिर से आना पड़े, किस फॉर्म में हमें नहीं पता है, इंसान बन के आए, कुछ भी बन के आए, लेकिन हमें ये प्लैनेट सही चाहिए होगा। तो हम यदि सस्टेनेबल, हम इस प्लैनेट की रक्षा करेंगे तो हम चैरिटी नहीं करेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं। सो लेट्स, यू नो, दिस इज व्हाट वी वांट, की सस्टेनेबिलिटी की बात हर मन से हो, हर जना इसके बारे में सोचे, हर डिसीजन सस्टेनेबिलिटी से कनेक्टेड हो। सो दैट इज द होल थिंग। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिल्ली टूरिज्म, जिन्होंने when we made the presentation to Viharika Rai ma'am, who is the managing director, and she said, we told her that we are combining music with so many things. She is so happy with us that she said ki ye muhim hona chahiye, and she has said ki ye Delhi Heart se aap shuru kare ye muhim, aur ye unke garden of 5 senses, unka jo aur bhi jitne bhi outlets hain Delhi Heart ke, wahan pe hum sab jagah ye sab programs kare. So a big shout out to Delhi Tourism and Viharika Rai ma'am. Delhi Heart, ye manch क्या है? ये मंच है टाइम्स स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया, दिस इज टाइम्स स्क्वायर, ये दिल की धड़कन है। यहाँ से आई थिंक कोई भी, हम पहले आते थे और दिल्ली हार्ट हमारे लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट होता था, कोई भी फॉरेन गेस्ट आता था हम जरूर यहाँ लेके आते थे। सो दिल्ली हार्ट की आवाज़ आई थिंक कैन चेंज एवरीथिंग। सो दैट्स आवर मिशन। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड लेट द प्रोग्राम बिगिन। आई थिंक वी कैन हैव लैम्प लाइटिंग।
यस सो लैम्प लाइटिंग तो हमारे साथ पीपल बाबा हैं. आई वुड रिक्वेस्ट पीपल बाबा टू प्लीज कम. कोमल पेन कैन यू प्लीज असिस्ट एवरीबडी. रेनू आप आए. चीजें गौरव असीम आइए. एंड हु एल्स यस आइए सर. मोहित जी आइए. सो लैम्प लाइटिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल दीप प्रज्वलन भारतीय सभ्यता भारतीय परंपराओं का द्योतक है. मां सरस्वती का ध्यान रखते हुए उनका ध्यान करते हुए